हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई अलर्ट में। तो दोस्तों, रेलवे द्वारा ग्रुप डी का रिजल्ट दोस्तों घोषित कर दिया गया था 4 मार्च को ही रात देर रात को। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट में बहुत ही गड़बड़ी, रेलवे में धांधली की इधर दोस्तों रिजल्ट में गड़बड़ी आ रही है। यहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि रिजल्ट में बहुत ही गड़बड़ी, जिसका दोस्तों बहुत ही मतलब कम मार्क्स है उसको भी पास कर दिया है, और किसी किसी का दोस्तों तो 100 मार्क्स से नॉर्मलाइज ज़्यादा ही हो गया, वो भी दोस्तों पास है। क्या दोस्तों ये रिजल्ट फिर से रेलवे जारी करेगा? क्या इसका ऑफिशियली न्यूज आया हुआ है कि फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा रेलवे द्वारा? हम दोस्तों पूरा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखें। हमें दोस्तों आपको रिजल्ट का स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा कि किसका किसका कैसे रिजल्ट में गड़बड़ी आया है। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल सरकारी अलर्ट पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए दोस्तों ये लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर जरूर प्रेस करें, और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों मैं जब भी आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करूं आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने दोस्तों एक स्क्रीनशॉट खोल रखा है जो कि दोस्तों आरआरबी गुवाहाटी द्वारा एक बच्चे का रिजल्ट है जो कि दोस्तों जारी किया गया। लेकिन दोस्तों ये सिक्योरिटी रीजन से हमने इसका नाम और रोल नंबर यहाँ पर छिपाया। तो इसके रिजल्ट की ओर देखिए दोस्तों, तो यहाँ इसका नॉर्मलाइज मार्क्स देख सकते हैं 0.22319 इसका दोस्तों मार्क्स आया है, जो कि दोस्तों यहाँ एक मार्क्स भी नहीं है। फिर भी ये दोस्तों पीटी के लिए शॉर्ट लिस्ट है जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या रेलवे द्वारा किया जा रहा है कि क्या धांधली था इसमें दोस्तों, क्या है ये? उसके बाद दोस्तों एक और रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों एक और रिजल्ट यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ मैंने भी यहाँ छिपा रखा है। यहाँ रिजल्ट देखें दोस्तों, नॉर्मलाइज मार्क्स इसका 148, यानी दोस्तों 100 मार्क्स का तो पेपर ही था। यहाँ दोस्तों इसका नॉर्मलाइज मार्क्स 148 मार्क्स कहाँ से आ गया, और फिर भी ये दोस्तों पीटी के लिए क्वालिफाई है। और दोस्तों और एक और आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि उसका तो मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ही आया हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, ये दोस्तों एक और बच्चा जिसका दोस्तों मार्क्स यहाँ पे 999.8561 दोस्तों, ये क्या है? यहाँ 1000 ही कर देना था इसको। ये दोस्तों मार्क्स जैसा कि 100 मार्क्स का था, लेकिन दोस्तों इसका कितना मार्क्स है, और दोस्तों पीटी के लिए क्वालिफाई है जैसा कि देख सकते हैं। दोस्तों क्या होगा रिजल्ट के बारे में? दोस्तों क्या रेलवे फिर से रिजल्ट जारी करेगा? दोस्तों ये इसका तो अभी तक ऑफिशियली कोई भी नोटिस नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो इसका रिजल्ट फिर से घोषित करवा सकते हैं। अगर आप दोस्तों ट्विटर हैंडल पर जो कि श्री पीयूष गोयल का है उस पर दोस्तों आप कंप्लेन करें, और रेलवे को लिख के यानी कि ईमेल करें, और दोस्तों कंप्लेन करें, जहाँ जहाँ जितना जहाँ जहाँ कंप्लेन करेंगे उसे दोस्तों रेलवे को आएगा, और वो अपना फिर से रिजल्ट घोषित करने का ऑफिशियली न्यूज़ आएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली न्यूज़ रेलवे की तरफ से नहीं आया कि दोबारा रिजल्ट घोषित होगा कि नहीं। दोस्तों ठीक है, आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब करें ऐसे ही दोस्तों लेटेस्ट अपडेट रेलवे की तरफ से पाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक अपडेट से। तो दोस्तों थैंक यू।